हे गाइस, वेलकम बैक माय अनदर व्लॉग। और हाँ, जानता हूँ थोड़ा ज़्यादा टाइम हो चुका है मुझे। अब मैं कोशिश करूँगा कि फुल टू रहूँ और डेली आपको कोई ना कोई नया कंटेंट देने की कोशिश करूँ। तो आपसे एक बात शेयर करनी थी और एक चीज़ बताना भी था। ज़्यादा ब्लॉग लंबा नहीं होगा, पूरा देखिएगा, आपको भी मज़ा आएगा और मुझे दिखाने में भी। जैसे आपके लाइफ में होंगे बहुत सारे ड्रीम, ऐसे मेरे लाइफ में भी बहुत सारे ड्रीम हैं, जिसमें से आज एक ड्रीम पूरा हो गया। हाँ दोस्तों, फाइनली मैंने अपने पैसों से, अब मैं वीडियो के आगे बताऊंगा यूट्यूब से कमाया कहाँ से कमाऊँ, अपने पैसे में मैंने आज फाइनली अपनी एक सेकेंड हैंड कार ले ली है। नई नहीं है लेकिन सेकेंड हैंड है, और मेरे लिए ये किसी लेम्बोर्गिनी से कम नहीं। आपको पास से दिखाता हूँ कौन सी गाड़ी है। ये हुंडई की i10 ग्रैंड है, 2015 का मॉडल है, लेकिन कंडीशन में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। इसकी सारी कंडीशन है एक नंबर है। आपको पहले आप पूरा चारों साइड से देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो ये तो हो गया गाड़ी का आउटलुक, जिसमें से कंडीशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब मुझे इतनी अच्छी कंडीशन में मिल गई है। और आपको प्राइस बताता हूँ कितने की पड़ी और कितनी चली हुई है, कितने साल हुए हैं। जैसे आपको 2015 का मॉडल है इतना बता दिया, ग्रैंड i10 सेकेंड टॉप मॉडल है। तो आपको अंदर से दिखाता हूँ कैसे है इसका इंटीरियर। गाड़ी का इंटीरियर कुछ इस टाइप का है अंदर से, और ये जो टच स्क्रीन आपको दिख रही है ये पूरी की पूरी एंड्रॉयड है। आप इसमें व्हाट्सअप, इंस्टा, आपको जो चलाना है आप चला सकते हैं। अधिकतर मैं यूट्यूब ही खोलता हूँ क्योंकि इसमें HD स्क्रीन है। और अपने ये कल ही मैंने शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ जी को बैठाया है। और बाकी आप देख सकते हैं इसमें चारों पावर विंडो हैं, और ये साइड के मिरर जो रहते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये स्विच दिया जाता है। और साउंड बेस सोनी का है। और इसमें सबसे खास बात मुझे ये लगती है कि इस बैक में भी AC का सुविधा देता है ये हुंडई में। मतलब हुंडई की गाड़ी आप लो तो लग्जरी फील आता है। आप मानो ना मानो लेकिन हुंडई की गाड़ी में ना बहुत हद तक एक लग्जरी फील आता है, क्योंकि इतनी ये कम प्राइस की गाड़ी है और 2015 का मॉडल है, तब के मॉडल पर भी ये इतनी, मतलब इतना ज़्यादा ध्यान दे रहा था कि देखो चारों के चारों विंडो पावर हैं। विंडो पावर के साथ साथ आपको मिरर कंट्रोलर मिल जाता है, आपको साथ में आगे पीछे AC है और बैक कैमरा। मतलब मुझे नहीं लगता कि जितनी चीज़ें मुझे चाहिए थी एक गाड़ी में, जो मतलब फैमिली के लिए हो या कहीं ट्रैवलिंग के लिए हो, तो जितना मुझे चाहिए था वो सारी चीज़ें। तो अब हम चलते हैं ड्राइव पे, और ड्राइव करते करते आपको सारी चीज़ें और बताता हूँ। और हाँ, आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैंने ड्राइव अपनी ही कार से सीखा है, वो भी ओनली फॉर 6 डेज में। अब जैसी भी बनती है पता नहीं, लेकिन काम चलाऊ बन जाती है। तो चलते हैं ड्राइव में। जैसे कि आपको स्टार्ट करने के टाइम पे थोड़ी सी आवाज़ आई होगी, तो मैं आपको बता दूं यह गाड़ी डीजल इंजन है। यह डीजल इंजन के साथ साथ आपको लगभग अभी जो फिलहाल पे दे रही तो 24 का माइलेज निकाल रही है, मतलब गांव के अंदर। तो सिटी के अंदर मतलब 25-26 का माइलेज निकाल दे रही है मेरे लिए। तो एक लेने की वजह यह भी थी कि मुझे डीजल गाड़ी मिल रही थी, और क्योंकि मैं UP के पास रहता हूँ जैसा आपको पता है, तो उसके साथ साथ UP में रहने से अपना डीजल या पेट्रोल दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी डीजल मेरे को 90-89 का पड़ ही जाता है, तो जिससे मुझे बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाती है। अब तो गाड़ी अभी अपन स्पीड पे नहीं चला रहे, अभी नॉर्मल ही चला रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि गाड़ी पे जैसे ये स्क्रीन हो गई, अभी अपन इस पे कुछ भी नहीं चला रहे। यहाँ पे मीटर है और इसके सारे इंडिकेटर काम करते हैं। और जो आपको ये साइड ग्लास वाला बता रहा था, तो आप देखिएगा इसको, मैं ग्लास को टच भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर ध्यान देंगे तो ग्लास ऊपर नीचे ऑटोमेटिकली हो रहा है। दिखाऊं आपको, तो इसको दो पे रख तो फुल कूलिंग दे रहा है, और सबसे खास बात है कि यहाँ से कूलिंग आती है, तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। आपको मैंने सारी चीज़ें दिखा दी हैं, अब लास्ट बचा है इसका स्पेस, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि लगेज रखने के लिए। फैमिली जब आपकी जाती है तो लगेज कितना है, तो आपको दिखाता हूँ। आइए, अब बैग का लुक कुछ ऐसा है, तो अपन इसको खोलते हैं। तो इसका स्पेस कुछ इतना है, मतलब इतना स्पेस है, लेकिन अगर आपका ज़्यादा स्पेस हो रहा है तो अपन इसको ऊपर करके इस सीट को आगे ऐसे डाल सकते हैं, जिससे आपका पर्याप्त स्पेस हो जाता है। अब लास्ट
जो आपके अभी तक मतलब मन में होगा कि ये कमाई कहाँ से हुई है, तो मैं आपको बता दूँ ये यूट्यूब से बिल्कुल भी नहीं हुई है। इसका यूट्यूब में एक रुपये भी नहीं है। अभी जो एक डेढ़ महीने से मैं वीडियो नहीं डाल रहा, उस टाइम पर मैं दूसरा वर्क कर रहा था। आपको वो वर्क समझ में आए या ना आए, मतलब एक चेकर के तौर पर मैं काम करता हूँ, जैसे धान चना गेहूँ जो सोसाइटी पर जाता है, गवर्नमेंट सोसाइटी पर, उसमें चेकिंग का काम रहता है। तो उस पर कुछ कमाया और कुछ अदर जगह से, तो इस तरीके से ये कार आ गई है। तो फाइनली अभी जो मेरा ड्रीम था वो पूरा हो गया, और उसमें आपका भी साथ है क्योंकि आपने इतना प्यार सपोर्ट दिखाया जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और चीज़ों को देख के और आगे बढ़ने का। तो ऐसे ही अपन करते रहेंगे काम, आप बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग पे। अभी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी क्योंकि ट्रेडिंग भी अपना फुल टाइम हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो मिलते हैं जल्द अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा सत श्री अकाल, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद।